दोस्तों, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं काइनमास्टर में मैं वीडियो एक्सपोर्ट कर रहा था और एक्सपोर्ट करते ही यहां पर ये एरर मैसेज जो कि आ चुका है आप देख सकते हैं। अगर आपके काइनमास्टर में भी कोई वीडियो एक्सपोर्ट करते समय ये एरर मैसेज आ रहा है तो क्या है इस एरर मैसेज का सोल्यूशन, किस तरह हम अपनी उस वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो जानेंगे आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैकेनिकल मास्टरमाइंड में। तो दोस्तों, पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखें ताकि इस एरर मैसेज को हम किस तरह ठीक कर पाएं, मतलब अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर पाएं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों को बता देना चाहता हूं, अगर आप चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इसी तरह काइनमास्टर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट वीडियोस जो आपके काम आएंगी इस चैनल पर आती रहती हैं। हर वीडियो आप तक सही समय पर पहुंचे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और सब्सक्राइब करें YouTube चैनल मैकेनिकल मास्टरमाइंड को और साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए ताकि आने वाली अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलें। तो चलिए दोस्तों, आज का ये हमारा वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो मैं अभी आप सभी को लाइव है जो इस एरर मैसेज का सलूशन आपको सही करके दिखाऊंगा, मतलब जो भी इसकी प्रॉब्लम है। जैसे कि यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है, एन एरर ऑकर्ड वाइल एक्सपोर्टिंग, प्लीज ट्राई अगेन। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं फेल्ड का मैसेज है जो आ रहा है जब वीडियो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या है इसका सलूशन, तो उसकी तरफ हम चलते हैं। तो सबसे पहले हम इसको आज बंद कर लेता हूँ मैं इस, और उसके बाद मैं बैग है जो जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ किस वीडियो को मैं एक्सपोर्ट है जो कर रहा हूँ। तो दोस्तों, बहुत तरह के डिफरेंट एरर मैसेज है जो काइनमास्टर में एक्सपोर्टिंग करते समय आ जाते हैं। अगर आप रेजोल्यूशन वीडियो का जो इसमें एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसका सही है जो नहीं रख रहे हैं, मतलब 720 से 1280 है जो इसमें एक्सपोर्ट करने के लिए हमारी लिमिट रहती है, अगर इससे ज़्यादा रेजोल्यूशन हम बढ़ाते हैं तो एक्सपोर्टिंग करते समय उस समय भी आपको एरर मैसेज है जो मिलता है। लेकिन अभी जो हमारा ये एरर मैसेज आ रहा है, मैं आप सभी को वीडियो का जो हमारा रेजोल्यूशन है आप यहाँ पर देख सकते हैं 1280x720, मतलब रेजोल्यूशन तो हमारा सही है एक्सपोर्टिंग करने के लिए, और क्या इसमें दिक्कत है जो हमारी आ रही है जिसकी वजह से एक्सपोर्टिंग करते समय में फेल्ड एरर मैसेज है जो आ रहा है। तो दोस्तों, जैसे कि इस वीडियो में सबसे पहले मैंने एक बैकग्राउंड है जो यूज किया है और उसके बाद मेरा है जो मीडिया, जो हमारी जो मेरी ये वीडियो है वो वीडियो का मैंने इसमें यूज किया है, और इसके अलावा मैंने यहाँ पर ये यूज किया है सब्सक्राइब बटन। तो मैं आप सभी को ये वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ ये सब्सक्राइब बटन क्या है। ये मेरी सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को प्रेस करने के लिए मैं ये ऐड किया हूँ, और इसके अलावा जो नीचे ऐड की है लेयर में जो इसके नीचे है वो है मोबाइल फ्रेम। तो दोस्तों, ये फाइलें हैं जो मैंने इस वीडियो में ऐड की है। तो इसमें से एक फाइल है जो दिक्कत कर रही है फाइल एक्सपोर्टिंग में, जो हमारी फाइल को एक्सपोर्ट नहीं होने दे रही, यानी कि एरर मैसेज है जो दे रही है। तो दोस्तों, ज़्यादा समय ना गवाते हुए मैं आप सभी को इस प्रॉब्लम का समाधान है जो बता देता हूँ। आप भी अपनी वीडियो को ध्यान से देखिए उसकी फाइलें क्या है वो फाइल, जैसे कि मैंने अभी ये फाइल है जो ऐड की है सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन वाली, तो इसको अभी मैंने क्या करना है डिलीट। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी इस फाइल को डिलीट है जो कर दिया है, तो चलिए अभी मैं इस अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट करके है जो देखता हूँ। तो इसके लिए अभी हम वापस से इसको है जो शेयर बटन पे क्लिक करेंगे, इसी वीडियो को आप देख सकते हैं, और क्लिक कर लेने के बाद आगे 720p रेजोल्यूशन है मैंने सेट कर लिया है, और उसके बाद एक्सपोर्ट पे क्लिक करूंगा, और अभी आप दोस्तों देख सकते हैं एक्सपोर्टिंग है जो अभी होना स्टार्ट हो चुका है। थोड़ा समय लग रहा है क्योंकि वीडियो का थोड़ा साइज है जो बड़ा है, लेकिन एक्सपोर्टिंग होना स्टार्ट हो चुका है। उससे पहले जब मैंने वो फाइल है जो सब्सक्राइब और बेल आइकन वाली के साथ है जो इस वीडियो को एक्सपोर्ट करता हूँ, उस समय स्टार्टिंग में ही वो वाला मैसेज है जो आ जाता है जो मैंने आप सभी को स्टार्टिंग में दिखाया है। दोस्तों, आप भी जिस वीडियो को एक्सपोर्ट कर रहे हैं आप उसमें कोई ऐसी फाइल चेक करें जो आपकी वीडियो को एक्सपोर्ट होने नहीं दे रही है, उसको या तो डिलीट कर दीजिए या फिर अपनी वीडियो को दोबारा से है जो काइनमास्टर में ऐड कीजिए और दोबारा से एक्सपोर्ट करके देखिए। अगर फिर भी आपकी वीडियो एक्सपोर्ट होने में कोई मैसेज एरर आ रहा है तो आप इसके लिए आप मेरे को कमेंट बॉक्स में एरर मैसेज बता सकते हैं क्या आ रहा है, तो मैं आपको उस एरर मैसेज का सोल्यूशन है जो बता दूंगा। तो दोस्तों, उम्मीद करूंगा अभी आप सभी को पता चल गया होगा एक्सपोर्ट काइनमास्टर में वीडियो एक्सपोर्टिंग करते समय अगर आपको कोई एरर मैसेज आ रहा है उसका सोल्यूशन हम कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और इसी तरह काइनमास्टर से रिलेटेड जो आपके काम आएंगी वीडियोस उनको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।